CNN इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी और आइए देखते हैं खबरें देश विदेश से। सीबीआई घूस कांड ने अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया है। इस बात को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। टीएमसी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देने की घोषणा की है। घूस कांड के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल का नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी खुद सड़क पर उतर गए हैं। हरियाणा के साइबर सिटी में लोगों से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू के नाम पर चंदा इकट्ठा करने वाले चार कश्मीरी युवक को पुलिस ने धरा है। बुधवार सुबह गुरुग्राम की सेक्टर 9 थाना पुलिस ने चार युवकों को सेक्टर 4 से गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में रहने वाले इन चार युवकों को पुलिस ने बृहस्पतिवार को अदालत में पेश किया, जहाँ से उन्हें पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड पर ले जाया गया है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को महाराष्ट्र के पुणे में हुए भीमा कोरेगांव हिंसा मामले पर अहम सुनवाई करेगा। बता दें कि इस मामले में इतिहासकार रोमिला थापर ने एक पुनः विचार याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वोत्तर यानी शीत मानसून ने तेजी से अपना प्रभाव दिखाना चालू कर दिया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों समेत आसपास के स्थानों पर भी शीत मानसून पूरी तरह आ गया है। मानसून विभाग की माने तो श्रीलंका के कुछ हिस्से भी इसी के दायरे में हैं। ऑयल कंपनियां लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कर रही है। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती हुई है, जहां पेट्रोल पर 25 पैसे प्रति लीटर की कटौती देखने मिली है, वहीं डीजल की कीमतों में 7 पैसे प्रति लीटर कम हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके के सोपोर में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ बारामूला के सोपोर इलाके में अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि यहां पर 2 से 3 आतंकी छुपे हैं। मुठभेड़ के दौरान सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकियों के इस हमले में CRPF के 2 जवान घायल हुए हैं। मुंबई के कोरेगांव में गुरुवार शुक्रवार के दरमियान आधी रात को एक इमारत की 7वीं मंजिल में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आतंकवाद पर पाकिस्तान के नए PM इमरान खान का दोहरा रवैया खुलकर सामने आया है। एक तरफ इमरान खान भारत से शांति वार्ता की अपील करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सरकार ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद के संगठनों से बैन हटा रही है। भारत में 26/11 हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के जमात उद दावा और फलाह ए इंसानियत नामक संगठनों को पाकिस्तान ने प्रतिबंधित संगठनों की सूची से हटा दिया है। जॉर्डन में भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। जॉर्डन के मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश में स्कूली बस बह गई और पास की ही एक खाई में जा गिरी। बता दें कि जॉर्डन में गुरुवार को देश में बारिश की वजह से जबरदस्त बाढ़ आ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश को सुधारने की कोशिश में लगे हैं। अब उन्होंने कहा है कि सारे भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क को कर्ज के जाल में फंसाने वाले नेता तथा अधिकारियों को अब पुराने पड़ चुके राष्ट्रीय मेल मिलाप अध्यादेश NRO जैसे किसी कानून के तहत राहत नहीं मिलेगी। अभी की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए News 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।